चमकदार और कड़वा सच है। कणियल का आधार धड़कन धड़कन जुड़ा हुआ है। शिक्षा का संसार, शिक्षा का संसार, शिक्षा का संसार, प्यार भरोसा अदब कायदा जिसके पाए चार। प्यार भरोसा अदब कायदा जिसके पाए चार। रे भैया ये है घर परिवार, रे बबुआ ये है घर परिवार, घर परिवार, घर परिवार, घर परिवार, घर परिवार। अब चतुरु तो गया डर, सुना गजेंद्र मैंने हिम्मत करके करी, मास्टर तूने बुलाया क्यों, हमने बता तो सही साफ साफ। बोले ये थारा जो है बच्चा कमजोर है। मैं कहा बावड़े दो दो भैंस बांध रखी इसके दूध के लिए, छक्के की खा रहा, छक्के रोटी तोड़ रहा। तो बोलिया की बात वो नहीं है। मैं कहा भाई बात के है वो भी बता दे। बोले यू पढ़ाई में कमजोर। अरे मेरा तो भाई माथा ठिनका, मैं सोची मास्टर ने पढ़ के दे पटकू नीचे भी। अरे तो बिंदु करना कुराना कुछ ना था, एक पटकी दे देनी थी ना भाई। ये तो दादा की बात रखने के लिए स्कूल गया था, पर मैं बिना दादा के कोई और काम नहीं करूंगा। दद्दू की बात रही दद्दू तक, मारी समझ के मुताबिक तो घेर लो उसने। ना ना भाई मैं तेरी बात से सहमत नहीं हूँ। दद्दू जब तक हमें इशारा नहीं करेगा हम कुछ नहीं करते ना करेंगे। रे बिंदु मैं दुकान पे तेरी बाट देख रहा, तू अड़ा के बैठा है। दादा मैं स्कूल गया था चतुरु के साथ, आपने तो भेजा था। चतुरु कितना वो चतुरु के बताऊ स्कूल में, वो मास्टर की बात से घबरा करना वो घर चला गया। और फिर मेरा माथा भी ठनक गया, मैं सोची के दुकान पर जाऊं। अब मैं गजेंद्र रजेंद्र के पास चला। मास्टर ने क्या कही? दादा मास्टर ने तो वो क्या बताऊं। अरे अरे गजेंद्र दादा ने बता दिया मास्टर ने क्या कही थी। बिंदु तू ही बोल देना यार, बोला ना राजेंद्र ने बताया, तू बता देना। बताना तू बता, स्कूल तू गया था बताओगे वो। दादा वो क्या था कि मुझे पढ़ना चाहिए और आपने भी पढ़ना चाहिए। और तो सुन के आ गया, एक हाथ ला दिया मास्टर के। अब दादा बात तो सही करो। देख भाई रजिंदर बात तो सही है, इतनी छूट तो हमने किसी पहलवान को आज तक नहीं दी। पर दादा एक बात है, आप कहो ना तो मैं आज ही उसका खेल बजा देता हूँ। नरे नरे निन्ना करेंगे, ये मास्टर मेरी इज्जत की हवेली दीवार पर चढ़ के चीखा। हाँ, हम उसे के स्कूल की छत पर चढ़ के चीखा मारेंगे। चल रहे सभा खत्म करो, चल बाद में सोचेंगे इस मास्टर की, आओ वापस चलो। राजेंद्र भाई चाय में तो मजा आ गया। राजवीर भाई चाय तो तभी बने करे है जब तुम आया करो, वरना हम तो छाछी छाछ पिया करे हैं। अरे भाई यहाँ भी कौन चाय पीता है, जब मैं यहाँ पर आता हूँ तभी चाय पीता हूँ। अरे यहाँ चाय पीने का तो मजा ही कुछ और है। खिली खिली धूप हो, खिली खिली धूप हो और हवा भी है। अरे भाई इस हवा का तभी मजा आएगा जब तुम में से कोई इस ग्राम पंचायत पर कब्जा करेगा। अरे कब्जा तो हम जब चाहे मर्जी कर ले। क्यों राजेंद्र भैया, पर उसके लिए तो चुनाव हुआ करें राजवीर भाई। अरे देखा नहीं मेरे गांव में मुझ जैसे आदमी को जब इतने वोट पड़ सकते हैं और वो ग्राम प्रधान बन सकता है तो तुम लोग भैया ठहरे नामी ग्रामी आदमी है। नामी ग्रामी तो हम है ही है राजवीर भाई, पर उससे होवे क्या है। अरे होना क्या है, अरे मजा तो इस बात में है कि इस गांव में मुखिया की तरह ठाट से जियो। ले मुखिया तो हम अब भी हैं, गांव में वही हो गए जो हम चाहे। मारी मर्जी के बिना तो गांव में पत्ता भी ना हिले मारे डंडे के जोर पे। वो तो ठीक है,
लेकिन इस डंडे के रुतबे पर सरकारी मोहर लग जाए तो रुतबा और भी बढ़ जाता है। पता नहीं सरकार ने भी क्या क्या मोर मार का डर फैला रखा है, पर मन में तो कोई डर ना होए। अरे राजेंद्र भैया, इसमें डर की क्या बात है, है? अरे फिर यहाँ तो चुनाव की बात ही चल रही है। अरे बात ही चलानी है तो बिंदु की शादी की बात चलाओ, बूढ़ा होने को आ गया है। अरे चुप कर बावली, मर्दा के बीच में ना बोले। ना ना राजेंद्र भैया, भाभी कह तो ठीक रही है, और फिर बिंदु के भाग में होगी तो मिल ही जाएगी। अरे भाग में तो अच्छी खासी थी, लेकिन वो शकुंतला का मामा ही नहीं माना। लेकिन मैं भी नंदू का मामा हूँ, ऐसी लाऊंगा कि वो चोचली सा उसका मामा देखता रह जाएगा। पर बिंदु कह रहा था मुझे नहीं करनी शादी वादी। तो उसकी तो खोपड़ी में पाला पड़ गया भाभी, अखाड़ा तो उसने छोड़ दिया और शादी भी ना करता। अरे प्यार की चोट है, ऐसे ही थोड़ी जाएगी। इसमें चोट कैसी, बिंदु तो अपने आप को पढ़ा लिखा कर दिखाने की बात करता है। अरे बिंदु अब पढ़ाई दिखाने की बात करे, अभी रह गए इस घर में दिखाने को। अरे दिखाना है तो ये हवेली दिखाओ, डंगर दिखाओ, बाग बगीचे दिखाओ, ये सब दिखाओ। सही बात है, अब जहाँ वो गई है वहाँ क्या कर रही होगी, खेतों में फावड़े बाजी। सुना है कि आजकल वो तो मास्टर नहीं हो रही है सरकारी तनख्वाह पर। अरे अच्छा ही हुआ कि वो टोटका हमारे घर ना आया। क्यों राजेंद्र भैया? गजेंद्र तू तो बहुत बोलता है, सरकारी नौकरी काटती है क्या तुझे? देखा लग गई ना। अरे लगने की बात ना है, मैं बिंदु को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अरे वो तो वो उड़ंत अश्तरी है जो बिना हवा के फुर्रम फुर हो जाए। फुर्रम फुर, ये क्यों है भाभी, मने भी बता दे। फुर्रम फुर का मतलब है जिस चीज की कहो उस चीज की काट। अरे वो तो हमें किसी तनख्वाह की जरूरत ना है, वरना हम एक सांस में चाट जाते ये 100-100 ग्राम की किताबें, इसमें है क्या? नमस्ते मामा जी। अरे नमस्ते। अरे बेटा कमली, अरे तू पीछे क्या कर रही है, आ जा 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 जा। अरे कैसी है तू? अच्छी हूँ। अच्छा वाह भाई, ये है संस्कारी बिटिया है? और बेटा तुमने क्या क्या सीखा? मैंने पढ़ाई बनाई, चूल्हा चौका, चापाक, ये हुई ना बात। अरे यही सब चीजें तो है सीखने की है? अरे वो तेरे बाबा नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए? दद्दू? हाँ दद्दू तो राजवीर भाई बाग में बैठे हैं, बाग में, मैं उनको बुला कर लाऊं। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे हम सब चलते हैं ना वहाँ, अरे खुले बाग में बात भी हो जाएगी। ठीक है हाँ चलो। माया तू भी चल। हाँ राजेंद्र भाई तुम ना जा रहे? मैं खड़े तक जाऊंगा, तुम लोग जाओ। अच्छा राजवीर, राजवीर भाई हाँ, ट्रैक्टर में चलोगे कि उसमें क्या क्या है, बुग्गी में? अरे ट्रैक्टर नहीं, बुग्गी में, खुले में चलेंगे, खुली हवा का मजा लेते। अच्छा पर रास्ते में चलते चलते कमला चाची को भी ले लेंगे? हाँ ले लेंगे, ले लेंगे, चल चल। अरे गजेंद्र इन्हें संभाल के ले जाइयो। हमारे गांव के खेतों की हरियाली का जवाब है क्या मामा? यहाँ तो बारिशों में कई मोर नाचते हैं। अरे मोर क्या बेटे, इस देश के गांव की खुशबू में तो हर दिल नाचता है। ओ, क्या खूब खिली हरियाली है, क्या खूब खिली हरियाली है, तन मन की उमंग निराली है, कंचन काया कोई बाला पहने सतरंगी साड़ी है, गलियों में उतरे स्वर्ग जहां। ओ, गलियों में उतरे स्वर्ग जहां, मेरे गांव की धरती न्यारी है, मेरी जान से भी वो प्यारी है। क्या खूब खिली हरियाली है,
मन को लुभाए देखो तन को रिझाए मौसम सुहाना जाने कहाँ लेके जाए कैसी अलमस्ती है ये छोड़ी न जाए बात जिया की भी तो बोली न जाए बात जिया की भी तो बोली न जाए उत आंगन की मतवाली है रुत आंगन की मतवाली है पुरवैया देखी भाली है गलियों में उतरे स्वर्ग जहां हो गलियों में उतरे स्वर्ग जहां मेरे गांव की धरती न्यारी है मेरी जान से भी वो प्यारी है क्या खूब खिली हरियाली है पेड़ पे चढ़ा क्या कर रहा कुछ नहीं कर रहा कुछ नहीं कर रहा नीचे उतर नहीं नीचे उतर नहीं नीचे उतर नहीं रहा उतर नीचे खड़ा क्या कर रहा था कुछ नहीं 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 कर रहा था चोरी कर रहा था हां जोर से बोल चोरी कर रहा था अच्छा बात चोरी करना बुरी बात है ना चोरी चल बैठक लगा अरे सिर पे चढ़ी रहा है पीछे अरे भाई पहलवान जी और राजवीर कैसा है तू बढ़िया अरे मैंने सुना कि आप यहाँ पर है तो सोचा कि आपसे भी मिल लूंगा और ये बाग भी घूम लूंगा आप बैठ बैठ और सुना सौभाग्यवती रहो सौभाग्यवती रहो सुना कहाँ कैसी है अरे सब ऊपर वाले की कृपा है गंदू भी आया ना वो तो मौज कर रहा है तंग तो ना करता अरे नाना वो तो सारे दिन पेड़ों पर चढ़ा रहता है या फिर अखाड़े में पुश्तियाँ देखता रहता है शाबाश तेरे गांव के तो सारे पहलवानों को देव पटकी दे रहा होगा अरे नहीं उसकी जोड़ का पहलवान तो पूरे गांव में नहीं है मारी चक्कर का सर और कहो पहलवान जी गांव के क्या हाल चाल है गांव तो ठीक है सर बाकी एक मास्टर कुछ ज्यादा ही फुदक रहा है फुदक रहा है क्या हुआ अरे होना के है राजवीर भाई उस मास्टर ने तो कल बिंदु के मुंह पर कह दिया कि तेरी भी पढ़ाई शुरू होगी अच्छा क्या उसे मालूम नहीं कि बिंदु खाते पीते घर का है अरे अपना वक्त क्यों बर्बाद करेगा अरे मन्ने लागे या मास्टर के दिन खराब हो रहे हैं अरे दद्दू मैं तो सोच रहा हूँ कि एक दिन उस मास्टर को अपने खेत बगीचे और तबेला दिखाई दूं अरे रहने दे गरीब आदमी मरमरा जाएगा बेचारा सरकार के सिर पे तो पल रहा है मन्ने तो लागे इन मास्टर ने सरकार को बहका रखा है अरे हमारे यहाँ तो इससे भी बड़ी मुसीबत आ रही है तुम्हारे यहाँ कौन सी मुसीबत आ ली अरे हमारे यहाँ तो बड़े बूढ़ों को पढ़ने के लिए उकसाया जा रहा है झूठ ना बोले नहीं बाबा मामा बता रहे थे वहाँ तो बड़ी बड़ी लड़कियाँ भी हाथों में किताबें ले लेकर जाती है और खूब जोर जोर से हंसती है चुप कर तुम लोग जाके खेतों में घूम जाओ हाँ हाँ चाची घूम जाओ हम लोग घूमते हैं चलो चलो जाओ राजवीर तू तो अपने गांव का प्रधान है हाँ बिल्कुल फिर ये जुलम क्यों करोगे अरे कुछ लोगों का कहना है कि इन किताबों के बिना गति नहीं ले किताबों के बिना गति नहीं है फिर हरिद्वार और काशी गति का क्या होया अरे दद्दू एक बात कहूँ मैंने तो आज तक कोई पढ़ा लिखा इंसान सुखी ना देखा सही बात और टेलीविजन में पिक्चर देख लो तो आदमी और औरतों में क्लेश ही होता रहे सच कहते हो भैया ये देश इसी में लुट गया अरे राजवीर भाई हमें तो घेर लिया ने पढ़े लिखे जादूगरों ने अरे राजवीर जी
आपने अपना टीवी फोड़ लिया कि? अरे वो छोटी लड़की का लड़का छुट्टियों में घर आता है ना, तो बस टीवी टीवी चिल्लाता है। खैर इतना भी क्या डर रहा, हम तो सोच रहे हैं कि इस टोटके को अपने घर में ही घुसना ना दें। तुम्हें एक बुरी खबर और बताऊं? इससे बुरी खबर और क्या हो सके? अरे मुझे तो पता लगा है कि मेरे यहाँ टेलीफोन भी लगेगा, ग्राम पंचायत का प्रधान जो हूँ। फोकट में ना, पैसे देने पड़ेंगे, इज्जत की बात है। तुम्हारे यहाँ तो लगता है मामला कतई बिगड़ लिया। नंदू को एक लड़के ने कहा कि मैं इसे एक बात बता दूं। मैंने कहा भाई बता दे। अरे बाद में पता चला कि वो तो किताबी पढ़ाई थी। अच्छा क्या सिखा दिया? पढ़ाई का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गधा, घा से घोड़ा। ला कबूतर में तो का हो है, गधे में गा हो है, तो ये पढ़ाई होली। अच्छा ये बताओ, ये पढ़ाई वालों को जिनावर ही दिखे, पढ़ लिख के जिनावर बनावे। अच्छा दद्दू, मैं जरा उन लोगों को देख के आता हूँ, कहीं दूर ना निकल गए। हाँ देख देख देख, जल्दी देख। चलो भाई पहलवान जी, अपन भी ट्यूबवेल हो जाते। नहा धो के नहीं आया तू? चल ट्यूबवेल चले। चलो बेटा, अच्छा खासा तू खाते पीते, ये पढ़ाई में इतना कमजोर क्यों है? मास्टर जी कहते हैं कि घर में पढ़ो। अरे तू अपने मास्टर जी से पूछ, कितनी जगह पढ़ने से ये पढ़ाई आएगी। अरे मैंने तो अच्छा खासा बवाल बोल ले लिया। अब घर में भी तो पढ़ना होता है पिताजी। हाँ तो पढ़ो, घर में पढ़ो। अरे मैं पहले ही तेरे चक्कर में अपनी नाक कटवा चुका हूँ। लोग समझते हैं कि मेरे घर में गरीबी आ गई। पर मास्टर जी कहते हैं कि पढ़ लिखने से गरीबी मिटती है। और क्या क्या कहते हैं तेरे मास्टर जी? मास्टर जी कहते हैं कि अगर तुम लोगों के माता पिता भी पढ़े होते तो इतनी परेशानी नहीं आती। वो ये भी कहते हैं कि उन्हें भी पढ़ना लिखना चाहिए। अच्छा तुम अपने मास्टर से ये तो पूछियो, क्या मेरी तरह फटाफट फटाफट ऐसे तेज नोट गिन सकता है? पता नहीं। हाँ अरे मैं अपने पैसे गिन लेता हूँ, अपने गेहूं के बोरे गिन लेता हूँ, इसके लिए मैं कहाँ पढ़ने गया। हाँ ये बात तो ठीक है। अरे अब तो वही ठीक होगा जब तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा। पर मुझे घर में पढ़ाएगा कौन? अच्छा और तू चैलेंज कर रहा है ना? अरे चैलेंज कर रहा है तो मैं तुझे पढ़ाऊंगा। मैं पूछ पूछ क्या पूछता है। अच्छा अच्छा पिताजी बताइए, हमारा राष्ट्र पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी अरे तू बावला हो गया है, राष्ट्रीय पक्षी नहीं रसिक पक्षी पूछा होगा, और तू लगा है कि राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्र पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी, अरे पागल हो गया है भाई। भाई ठीक है अगर तू जिद करता है तो मैं बता देता हूँ, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है टिड्डा, क्योंकि टिड्डा खेतों को खा जाता है, खेत खत्म तो राष्ट्रीय समस्या, और राष्ट्रीय समस्या का कारण है इसलिए टिड्डा हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। है ना? हमारा राष्ट्र पक्षी मोर है। क्या? हाँ मोर। अरे ये कैसा तेरा राष्ट्रीय पक्षी है जो बेचारा गांव गांव धक्के खाता फिरे। हमारे मास्टर जी कहते हैं कि हमें इनका सम्मान करना चाहिए। लो और सुन लो, बस यही कसर बाकी रह गई थी कि माँ बाप को छोड़कर मोर छोड़ के मंदिर बनवाते फिरो और उनका सम्मान करो, हैं यही ना? हमारी किताब में लिखा है कि हमारा देश सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। अरे ठीक है बेटा, देश है तो तंत्र है, और ये तंत्र मंत्र तो हमारे यहाँ सदियों से है। प्रजातंत्र का मतलब लोगों का राज। अरे बेटा राज तो बड़ों बड़ों का नहीं रहा, लेकिन हमारे देश में हजारों सालों से ये तंत्र मंत्र है। अच्छा ऐसा कर, तू ये किताबें बंद कर। अरे अरे जा बाबू, अरे बाबू को पढ़ना है। अरे बाहर जाके खेल करा बेटे, जा उठ जा। अरे क्या यार बाबू, आप तो कभी नहीं पढ़ने देते। अरे जा खेल बाहर, जरा तंदुरुस्ती बना। हाँ। अरे ये किताब है या जादू का पिटारा? अरे मैं तो आराम करता हूँ। अरे बिंदु बिंदु, अरे बिंदु बिंदु बिंदु, अरे बिंदु। हाँ के बात है सचिन, के बात होगी? कहाँ खोया यार, मैंने तुझे दो बार पुकारा, सुना नहीं तूने? कुछ नहीं, ऐसे ही दिमाग में फितूर भरा रहता है यार, कुछ खास बात नहीं।
मैंने पहले कभी तुझे इतना उदास नहीं देखा, क्या बात है? देख भाई, मैं कोई कुश्ती हार के तो आया नहीं हूँ, नहीं जो उदास बैठू। अगर तू कुश्ती हार गया होता तो यहाँ नहीं अखाड़े में और मेहनत कर रहा होता। लेकिन कोई तो बात है इसलिए इतना खामोश है तू। अरे बावड़े कोई बात नहीं, मैं खाली घर से ना हवा खाने के लिए बाहर निकला था, और कुछ भी बात नहीं। देख मुझसे झूठ मत बोल, मैं तेरा सच्चा दोस्त हूँ, सच सच बता क्या बात है। यही तो बात है, सच्चे दोस्त होने का तो फायदा यही तो उठाता है। चल बताता हूँ तुझे। चलो भाई, वो अपनी भाभी का जो भाई है ना राजवीर, आजकल वो घर में आया हुआ है। अच्छा। उसने बातों बातों में कुछ ऐसी बात कह दी, दिल में लग गई भाई। दिल में लग गई। ऐसी बात? कैसी बात? वही बात शकुंतला को लेकर। तो पहलवान का दिल प्यार में डूबा हुआ है। अरे काय का प्यार सज्जन, अब तो मैं सबके ताने सुनता फिर रहा हूँ। घर में घुसता हूँ तो ताने सुनता हूँ, बाहर के लोगों के ताने सुनता हूँ, कितका नहीं रहा भाई, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। लेकिन तू तो बहादुर है बहादुर। यहाँ कोई अखाड़ा थोड़ी खोजना है या कुश्ती लड़नी है जो बहादुरी दिखाऊं मैं, ये बहादुरी दिखाऊं इसमें? बहादुर है। बिंदु तू शादी क्यों नहीं कर लेता? शादी कर तो लूं सज्जन, पर ये जो है ना, ये दिल है ना, ये हाँ बावली चीज है भाई, ये नहीं मानता रे भाई सज्जन। हाँ मेरी एक बात बता। हाँ। देख तू तो शहर आता जाता रहता है। हाँ। तेने के देखा कि वाकई पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी चीज है, इससे जीवन स्तर को नापा जाता है कि कौन आदमी छोटा है और कौन आदमी बड़ा है। वो लोग तो कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई से जीवन सुखी रहता है। अरे क्या खाक सुखी रहता है, हैं? अब तू ऐसे ले। हाँ। देख हमारा जो पहलवानों का जो परिवार है वो पूरे गांव में सबसे सुखी परिवार है, सब जानते हैं। हाँ। तू भी जानता है ना। हाँ हाँ। तो फिर अगर हम इस उम्र में पढ़ाई लिखाई करेंगे तो ये लियाकत वाली बात तो नहीं होगी। अब पढ़ लिख कर हमें फावड़े खोदने हैं या खेत जोतना है तो क्या फायदा हुआ? लेकिन शहर के लोगों का कहना है कि पढ़ाई है तो कमाई है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते उनकी जेब बच्चे भी काट लेते हैं। तो ठीक है, हम कब मना कर रहे हैं? अरे शहर वालों को खूब पढ़ाओ खूब पढ़ाओ खूब पढ़ाओ, पर हमारे गांव वालों को तो बख्श दो। उन लोगों का कहना है कि पढ़ाई से कई फायदे हैं। क्या फायदे हैं? नीम के पेड़ पे क्या बादाम उग जाते हैं? मैं भी तो यही सोचता हूँ कि अगर हम लोग इस उम्र में पढ़े तो गाँव के बच्चे तो बच्चे बंदर भी हंसेंगे। हाँ भाई, हंसी खिल्ली तो उड़ती है इस उम्र में पढ़ाई में। और क्या। अच्छा हाँ, तेरी माँ का क्या हाल है? वो बस ठीक ठाक है। दवाई ले आया था कल? हाँ लेके आया हूँ ना। क्या तेरे से एक बात पूछनी थी। क्या? बड़ी व्यक्तिगत सी बात है। तो पूछो ना। इधर आ जा। हाँ। कोई है तो नहीं? हाँ ये लड़की लोग जो है ना, ये पढ़ाई लिखाई करने के बाद में पागल क्यों हो जाती है? वो तो कहती है कि हम और समझदार हो जाती है। क्या खाक समझदार हो जाती है? एक खाते पीते पहलवानों के परिवार को ठोकर मार के एक बिजली वाले के साथ डेरा डाल लेती है। तने बेरा एक बात। हाँ। वो जो शकुंतला थी ना। हाँ। उसने बिजली वाले अफसर से तो शादी करी थी। अच्छा बिंदु मैं चलता हूँ। ठीक है भाई। एक बात बताओ बिंदु, के शकुंतला जैसी लड़की ने ऐसा किया जरूर कोई ना कोई तो बात होगी। अच्छा मैं चलता हूँ। शकुंतला तू जब से आई है उदास उदास बैठी है, कोई खास बात हो गई है क्या? नहीं कोई खास बात नहीं। एक बात बताओ बिंदु, तुम अपनी कंपनी से कितने दिन की छुट्टी लेकर आए हो? छुट्टी? छुट्टी कैसी शकुंतला, जब मर्जी आए आओ, जब मर्जी आए मत आओ। अरे वाह बड़ी अच्छी कंपनी है तुम्हारी, वहाँ होता क्या है? वहाँ तो जो होता है मुझे भी नहीं मतलब वहाँ होता है।
क्या होता है? वहाँ दाव पेच होते हैं। दाव पेच? हाँ। तुम भी कमाल के हो। खैर एक बात पूछो, जब मैं अपने गांव चली जाऊंगी तो मुझे चिट्ठी लिखोगे ना? चिट्ठी? हाँ हाँ, पर वो देख चिट्ठी और मिट्टी ये तो मेरे बाएं हाथ के खेल हैं। देख गांव में मिट्टी, अखाड़े में मिट्टी, खेत में मिट्टी, चल मान ले ये है चिट्ठी और ये पहुंच गई तेरे गांव में चिट्ठी। सुनो बिंदु, गांव वालों को हमारी दोस्ती के बारे में अभी तक कुछ नहीं मालूम, पर मैं ये चाहती हूँ जल्द से जल्द तुम मेरे गांव आकर मुझे ले जाओ। मैं वहां आकर एक बड़ा सा स्कूल खोलूंगी। स्कूल खोलेगी? क्यों क्यों क्यों, तुम चौक क्यों गए? अरे चौक कह रहा हूँ मैं तो भाई तेरे बारे में सोच रहा हूँ। मैं तेरे उस स्कूल के बारे में सोच रहा हूँ जो तू यहाँ खोलना चाहती है। मैं जमीन देख रहा हूँ, ये वाली ठीक रहेगी या ये वाली ठीक रहेगी? स्कूल, वो भी इस पानी में? बातें टालना तो कोई तुमसे सीखे। नहीं, मैं मजाक कर रहा था। ताल ठोक के पूछ बैठ के अक्कड़ बाकड़ ऐठा, गदा भांज के सीना फुला के घुटनों के बल बैठा। लठा लठे तैयारी है पर कहीं तो कुछ है खट्टा, विद्या दान के बिना रे बबुआ मंजिल पे जा अटका। मंजिल पे जा अटका, मंजिल पे जा अटका। वफादार नहीं मसल वो मछली, अक्षर में है सार, अक्षर में है सार, अक्षर में है सार। दाव पेच और उठा पटक भी शिक्षा से लाचार, शिक्षा से लाचार, शिक्षा से लाचार। रे भैया ये है घर परिवार, रे बबुआ ये है घर परिवार।